हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आपके साथ करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग सोशल इश्यूज पे चर्चा करने जा रहे हैं, जहाँ पे जून से लेकर के जनवरी तक के करंट अफेयर्स हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पे हम लोग यूपीएससी और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पे गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको इन कोर्सेज में इंटरेस्ट हो तो ये दिए गए दो नंबर्स पे आप हमें कॉल करें, हम आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एक इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स का नाम है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया या फिर स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत। देखिए, यहाँ पे एक तो स्टेट्स की बात हो रही है, दूसरी बात हो रही है हेल्दी, तो पूरा जो इंडेक्स है वो किस पे बात करेगा, वो स्टेट्स की बात करेगा और देखेगा कि स्टेट्स कैसे अपने हेल्थ आउटकम्स पे आ रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग स्पेसिफिक बात करें तो देखिए ये क्या करता है, ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एक साथ लेगा और देखेगा कैसे उन्होंने अपने हेल्थ के आउटकम्स अचीव किए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। समझ लेते हैं 2018 के कंपैरिजन में 2019 में वो कहाँ पे अपने हेल्थ आउटकम्स पे स्टैंड करता है और 2019 के कंपैरिजन में 2020 में वो कहाँ पे करेगा, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस वो किस तरीके से अपने हेल्थ के आउटकम्स बढ़ा रहा है। तो ये जो स्वास्थ्य संबंधी परिणाम हैं इसको यहाँ पे पैमाने के तौर पे रखा गया है और इसी के आधार पे जो स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरी हैं उनकी रैंकिंग की जाती है। जो सबसे अच्छे इंक्रीमेंट दिखाते हैं उनको ऊपर रखा जाता है, धीरे धीरे जो थोड़े कम इंक्रीमेंट दिखा पाते हैं उनको नीचे रखा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा बात आती है ये इंडेक्स रिलीज़ कौन करता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो ये इंडेक्स डेवलप किसके द्वारा किया जाता है, तो ये डेवलप किया जाता है नीति आयोग द्वारा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इसमें किस किस की भागीदारी होती है या किस किस का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल है, तो सिर्फ नीति आयोग नहीं है। नीति आयोग मैंने माना ये रिपोर्ट डेवलप करता है, लेकिन उसको और भी असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो जैसे अगर अपन तकनीकी सहायता की बात करें या फिर टेक्निकल असिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक या विश्व बैंक अपनी टेक्निकल असिस्टेंस इसको प्रोवाइड करता है। साथ साथ क्योंकि यहाँ पे हम हेल्थ से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा करेंगे, स्टेट्स को उनके हेल्थ पैरामीटर्स या फिर स्वास्थ्य संबंधी परिणामों पे जज करेंगे, तो इसीलिए हमको एक ऐसी मिनिस्ट्री का यहाँ पे सहयोग लेना पड़ेगा जो हेल्थ के डेटाज और फिगर्स को एनालाइज करती हो और अपने पास रखती हो। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे कंसल्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यहाँ पे अपना कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है। तो इसी आधार पे हमने देखा टोटल तीन बॉडीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले नीति आयोग जो कि पूरा डेवलप करता है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक जो अपनी सहायता प्रोवाइड करता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, और तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की जो कि अपने कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है। तो जो पूरा इंडेक्स है ये यहाँ पे तीन पैमानों पे या फिर तीन डोमेन्स पे बेस्ड है। सबसे पहला है स्वास्थ्य परिणाम या फिर हेल्थ आउटकम्स, जिसको 70% वेटेज दिया जाता है। उसके बाद है गवर्नेंस एंड इन्फॉर्मेशन यानी अभिशासन और सूचना, जिसको करीब 12% वेटेज दिया जाता है। और तीसरा है की इनपुट्स एंड प्रोसेस, जिसको बचा हुआ 18% वेटेज दिया जाता है। यानी अगर कोई स्टेट अपने हेल्थ पैरामीटर्स पे अच्छा करेगी तो उसकी रैंक इम्प्रूव होगी ही होगी, और अगर बाकी दोनों क्षेत्रों में भी उसने अच्छा किया है तो उसकी रैंक और बढ़िया होगी। लेकिन अगर इन दो क्षेत्र में उसने अच्छा किया है और हेल्थ में उसका काम खराब है तो यहाँ पे उसकी रैंक बहुत बढ़िया नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पे जो भी देखिए राज्य और यूनियन टेरिटरीज अपना डेटा सबमिट करते हैं, उस डेटा को यहाँ पे वैलिडेट किया जाता है। यानी कि एक इंडिपेंडेंट यहाँ पे वैलिडेशन एजेंसी है जो ये चेक करती है कि जो डेटा दिया है ये एक्चुअली में सही है या फिर इन्होंने अपनी मनमर्जी से डेटा दे दिया है। इसी आधार पे उन पर्टिकुलर स्टेट्स को या फिर यूनियन टेरिटरीज को रैंक दी जाती है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, पूरे भारत को हमने तीन हिस्सों में बांट दिया, यानी उसका वर्गीकरण कर दिया है तीन हिस्सों में। एक है बड़ी वाली स्टेट्स यानी बड़े राज्य, एक है छोटे राज्य और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश, जिससे कि फिर हम एक्चुअल उसका इम्प्लीमेंटेशन देख पाएंगे, हम एक्चुअल लेवल पे देख पाएंगे कि कहाँ पे कोई स्टेट आज स्टैंड कर रहा है। अब आप मानिए कि राजस्थान एरिया वाइज भारत का सबसे बड़ा स्टेट है और वहीं पे आप उसको पौंडीचेरी से कंपेयर करें या फिर दिल्ली से कंपेयर करें या फिर दमन दीव से कंपेयर करें, तो वो
एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पाएगा। स्टेट्स को आप बड़े बड़े स्टेट से कंपेयर करें, जो छोटे स्टेट्स हैं उनको कंपैरेटिवली छोटे से कंपेयर करें। जैसे आप मणिपुर और मिजोरम को एक पैमाने पर रख के देख सकते हैं सब चीज़ें, वहीं पर आप राजस्थान और उत्तर प्रदेश को एक पैमाने पर रख के देख सकते हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र को एक पैमाने पर रख के देख सकते हैं, और इसी तरीके से यूनियन टेरिटरीज को भी हम एक पैमाने पर रख के देख सकते हैं। अब अगर बात करें तो ये वाला जो है ये सेकंड एडिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा यानी कि संस्करण इस रिपोर्ट का जारी किया गया है। तो पहला संस्करण कब आया था, पहली बार ये रिपोर्ट कब आई थी, ये आई थी 2018 में, जहाँ पे स्टेट वाइज हेल्थ रैंकिंग के बारे में बात की गई थी। तो ये 2018 वर्ष आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है जो अभी वाली है यानी 2019 वाली जो रिपोर्ट हम पढ़ रहे हैं, ये दूसरा वाला एडिशन है। उसके अलावा ये जो वर्गीकरण किया गया है, ये जो हमने तीन डिवीजन किए हैं जिसमें बड़े राज्य हैं, छोटे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन श्रेणियों को भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं फाइनली 2019 वाली जो रिपोर्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या क्या नई चीज़ें निकल के सामने आई हैं, कौन से स्टेट्स आगे हैं, कौन से स्टेट्स पीछे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा गंभीर और चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ आधे ही स्टेट्स हैं, या फिर अगर यूनियन टेरिटरीज को भी मिला दें तो सब मिला के सिर्फ आधे ही ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाया है अपने ओवरऑल स्कोर में। अगर हम 2015-16 की बात करें और 2017-18 की बात करें, यानी जो बाकी आधे हैं उन्होंने कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाया, या तो वहीं पर रहे हैं या फिर उनकी और ज़्यादा दुर्गति हुई है। और अगर देखें इन आधों में भी ज़्यादा कौन है, तो बड़े और छोटे राज्यों के कंपैरिजन में अगर आप यूनियन टेरिटरीज का प्रदर्शन देखेंगे तो उनमें ज़्यादा सुधार दर्ज किया गया है, यानी यूनियन टेरिटरीज इस रेस में आगे हैं एज कम्पेयर टू बड़े राज्य और छोटे राज्य। अब हम इसको सेक्शन वाइज लेंगे। सबसे पहले जो हमने तीन श्रेणियाँ बांटी थी उसमें पहला जो सेक्शन था वो था लार्ज स्टेट्स का, यानी बड़े राज्यों का। इसमें केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र ने टॉप की रैंक्स अचीव किए हैं। अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूं, अब ध्यान रखें ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तीनों ही स्तंभों में यानी तीनों पिलर्स में, लेकिन अगर सिर्फ आप ये बात करें कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल किसने, कौन से राज्य ने, कौन से यूटी ने ज़्यादा ह्यूज इंक्रीमेंट दिखाया है, ज़्यादा बढ़िया वृद्धि दिखाई है, तो उसमें सबसे ऊपर है हरियाणा, फिर है राजस्थान और उसके बाद है झारखंड। तो ये एक चौंकाने वाली चीज़ है क्योंकि झारखंड जो है उसको माना जाता है कि वो लेस डेवलप्ड है और विकास के क्षेत्र में वो पीछे रहता है, साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी झारखंड में ज़्यादा कोई बड़े इनिशिएटिव्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे झारखंड ने एनुअल इंक्रीमेंट में टॉप थ्री में आके एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल पेश किया है बाकी सभी राज्यों के सामने। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी श्रेणी पर जो कि है स्मॉल स्टेट्स या फिर छोटे राज्य। इसमें छोटे राज्य में मिजोरम और मणिपुर इन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस में टॉप रैंक ली है, यानी M2 जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट के उन्होंने ओवरऑल परफॉर्मेंस में सबसे बढ़िया रैंक हासिल की है। और अगर आप बताएं कि सबसे बढ़िया एनुअल इंक्रीमेंट किस में हुआ, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल किस में सबसे बढ़िया इंक्रीमेंट हुआ है, किस में वृद्धि हुई है, तो वहाँ पर भी त्रिपुरा और मणिपुर दो आपको स्टेट्स ऐसे मिलेंगे जो टॉप रैंकिंग्स में हैं। फिर अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें दोस्तों, तो चंडीगढ़ और दादरा एंड नागर हवेली जो है इनको टॉप रैंक मिली है ओवरऑल परफॉर्मेंस में, और इन्हीं को टॉप रैंक मिली है एनुअल इंक्रीमेंट में भी। तो यानी कि अगर आप यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज़ में चंडीगढ़ और दादरा एंड नागर हवेली जो है ये दोनों ही पैरामीटर्स पे टॉप रैंकिंग हासिल करे हुए हैं। हालांकि एक जो यहाँ पे चौंकाने वाली बात ये है कि इस जो रैंकिंग टेबल में यहाँ पे जो टॉप पे स्टेट्स हैं और जो नीचे स्टेट्स हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है। जो ये टॉप की स्टेट्स हैं इन्होंने करीब 2.5 गुना और बेहतर परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू नीचे की स्टेट्स। तो आप ये सोचें कि ये इस दौरान जो अंतर है भारत के राज्यों में उसके बीच में इतना ह्यूज फर्क आ जाता है करीब 2.5 गुना का। तो यानी कि इस तरीके की डिस्पैरिटीज़ को कम करने पर हमको ध्यान देना है, ओवरऑल पूरे देश के विकास पे हमको ध्यान देना है, सभी स्टेट्स को आगे बढ़ाने पे हमको ध्यान देना है। अब हम चलते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। ये है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस इंडिया 2019, या फिर खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण भारत 2019। देखिए सबसे पहले इसमें किसकी बात की गई, एक तो इसमें फूड की बात की जा रही है और न्यूट्रिशन की बात की जा रही है, यानी कि जो उसमें संस्था जुड़ी होगी कहीं ना कहीं फूड से संबंधित होगी। तो एक तो यहाँ पे संस्था है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, और दूसरी जो संस्था है वो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स लेने में जोर दे रही है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको ये दो यहाँ पे संस्था याद रखनी है, एक तो
स्टैटिस्टिक्स वाली मिनिस्ट्री और दूसरा विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब इस रिपोर्ट के क्या नतीजे रहे हैं देखिए। सबसे पहले तो इसमें ये पाया गया है कि आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट नहीं है। 2022 तक अगर हम देखेंगे तो भी 31.4% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड रहेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो कुछ एक टर्म से हमको अवगत होना ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अभी भी पढ़ा स्टंटिंग, तो स्टंटिंग क्या होता है, या फिर अगर हिंदी में बात करें तो ठिंगनापन। तो ये बेसिकली दो चीज़ों के रिस्पेक्ट में देखी जाती है। देखा जाता है हाइट फॉर एज, यानी आपकी एज के हिसाब से आपकी कितनी ज़्यादा हाइट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानते हैं कोई 24 साल का है तो उसके उम्मीद की जाती है कि 5 फुट से ज़्यादा हाइट हो। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ऑफिशियल फिगर्स अलग हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर ये है कि आप देखिए, अगर मान लीजिए किसी की उम्र है 24 वर्ष, तो माना जाता है भाई कम से कम वो 5 फुट का होगा, या फिर 4'9" होगा, या 4.5 फुट होगा। अगर इससे नीचे होता है तो ऐसा माना जाता है कि वो स्टंटेड है, यानी आपकी हाइट कैसी है आपकी एज के अनुसार। उसके अलावा एक और टर्म है इस न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ, जो कि है वेस्टिंग। दोस्तों वेस्टिंग को याद करने के लिए आपको W से ही याद करना पड़ेगा। इसमें होता है वेट इज टू हाइट, यानी आपकी हाइट के अनुसार आपका वजन कितना है। कई लोग बहुत लंबे हैं, 7 फुट के हैं, लेकिन उनका वजन देखो तो वजन उनका है 40 से 50 किलो, तो उस केस में आपको कहा जाएगा कि आप वेस्टेड हैं। हालांकि ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, ऑफिशियल फिगर्स अलग हैं। समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं कि वेट और हाइट का अगर हम कॉम्बिनेशन देखते हैं कि आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट कितना है, या फिर अगर मैं स्टंटिंग की बात करूँ तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि आपकी उम्र के अनुसार आपकी हाइट कितनी है, आपकी लंबाई कितनी है। तो अगर वो जो एक डिसाइडेड बेंच लाइन है उससे नीचे होती है तो कहा जाता है या तो आप स्टंटेड हैं, या फिर कहा जाता है आप वेस्टेड हैं। अब हम चलते हैं रिपोर्ट की फाइंडिंग पे। रिपोर्ट ने सबसे पहले कहा है कि भाई आने वाला जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वो हमको बहुत ज़्यादा उज्जवल नहीं दिख रहा, क्योंकि 2022 तक भी 31.4% जो बच्चे हैं वो स्टंटेड या फिर ठिंगनेपन का शिकार होंगे। सबसे ज़्यादा स्टंटिंग कहाँ देखने को मिलेगी, या फिर अंडरवेट कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इनमें से करीब 2-3 स्टेट्स तो आप याद रखें, जिससे कि जब भी अगर आप आंसर लिखें और उसमें इस तरीके के एग्जाम्पल लिखने हो तो आपके पास एग्जाम्पल्स मौजूद हों। और ऐसे एग्जाम्पल लिखने से ध्यान रहे आपका आंसर और ज़्यादा मजबूत बन जाता है। फिर उसके बाद इस रिपोर्ट ने कहा है कि बच्चों में अलग अलग तरीके के कुपोषण यहाँ पे मौजूद है, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल बर्डन्स हैं मैल न्यूट्रिशन के हमारे देश में, जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि हो सकता है स्टंटिंग और वेस्टिंग एक साथ एग्जिस्ट करती हो, यानी कि आपकी उम्र के हिसाब से आपकी हाइट भी सही नहीं है और आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट भी सही नहीं है। तो ये दोनों ही फैक्टर्स आप में एग्जिस्ट करेंगे। और ऐसा माना जा रहा है जो भी एक कम शिक्षित महिला होती है, या फिर जो ऐसी महिला होती है जिसका बॉडी मास इंडेक्स कम है, यानी कि महिला का ही बॉडी में जो मास का सही प्रपोर्शन होना चाहिए वो नहीं है, तो उसका जो भी बच्चा पैदा होगा ज़्यादा संभावना ये है कि वो बच्चा ठिंगना निकले, स्टंटेड हो, वेस्टेड हो और अंडरवेट भी हो, यानी ठिंगनेपन का शिकार हो, दुबलेपन का शिकार हो और अल्प वजन का शिकार हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है इस रिपोर्ट की। इसका आप ध्यान रखें कि किस तरीके से गरीबी जो है वो ऐसी बीमारियों को और ज़्यादा बढ़ाती है, कम शिक्षा किस तरीके से ऐसी बीमारियों को और ज़्यादा बढ़ाती है। अगर हमारे मेंस में इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसे लिंक अपना बिठाएंगे कि भाई अगर गरीब है व्यक्ति तो फिर वो अपने बच्चे की शिक्षा की तरफ कम ध्यान दे पाता है, और साथ साथ वो अच्छी अच्छी चीज़ें भी कम खा पाते हैं, जिसमें भी महिलाएं हैं या फिर जो लड़कियां हैं उनके साथ तो खास तौर पे इस तरीके की चीज़ें की जाती हैं, जिसकी वजह से आगे चल के उनमें एक तो लिटरेसी की समस्या आती है, उनकी जो लिटरेसी रेट होती है, जो उनका शिक्षा लेने का लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, और साथ साथ क्योंकि उनका अच्छे से पोषण नहीं किया गया इस वजह से उनका बॉडी मास इंडेक्स भी कम होता है। अब अगर ये दोनों चीज़ें कम आ रही हैं तो फिर इस रिपोर्ट में लिखा है संभावना ऐसी पाई जाती है कि इस महिला का जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को भी दुबलेपन का शिकार होना पड़ेगा, ठिंगनेपन का शिकार होना पड़ेगा और उसका अल्प वजन होने की भी बहुत संभावना है। साथ ही इस रिपोर्ट ने एक और चीज़ बोली है महिला के लिए, उसने कहा है कि जो महिलाएं 15 से 49 ईयर्स के एज में रहती हैं उनमें ज़्यादातर पाया गया है कि आधे से ज़्यादा ऐसी महिलाएं एनेमिक होती है, यानी कि उनमें
आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी होने से क्या होगा, देखिए दोस्तों, कि उनमें हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम होगा। हीमोग्लोबिन का लेवल कम होने से क्या होगा, उनमें खून की कमी होगी। खून की कमी होने से क्या होगा, उनको आमतौर पर चक्कर आएंगे और थोड़ा बहुत काम करने के बाद ही वो जल्दी थक जाएंगे, उनकी सांस फूलने लगेगी। तो इस तरीके की जो बीमारियां हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है तो इसका तात्पर्य है आप अच्छे से हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, खून प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, और आगे जाके उनको थकान जल्दी होगी, चक्कर आएंगे, उनको ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। और ये देखा कहाँ गया है, ये हर वर्ग में देखा गया है, हर एज में देखा गया है, हर जगह में देखा गया है। भले ही आप कम उम्र से लेकर ज़्यादा उम्र तक हों, आपने देखा इसमें हमने कितना बड़ा विंडो लिया है, 15 साल की बच्ची से लेकर हमने करीब 50 साल की महिला तक लिया है। अगर स्पेसिफिकली बात करूँ तो 49 वर्ष तक महिला को लिया है, यानी कि एज कोई फैक्टर नहीं है, इसमें सब में पाया गया है। रेसिडेंस, भले ही वो अर्बन एरिया में रहती हो यानी शहरों में रहती हो, या फिर ग्रामीण एरिया में, या फिर बात करें तो रूरल एरिया में रहती हो, पर फिर भी उसमें ये चीज़ पाई गई है। प्रेगनेंसी स्टेटस कुछ भी हो तो भी वो एनेमिक पाई गई है। और एक चीज़ आप ध्यान रखें, अगर एनेमिक है यानी कि उसमें आयरन की कमी है उस महिला में, तो फिर आने वाली जो संतान है, जो शिशु होगा, उसमें भी ये संभावना है कि आयरन की कमी होगी, क्योंकि जो बच्चा है वो अपने माँ से ही सारे न्यूट्रिशन विड्रॉ करता है। तो अगर यहाँ पे माँ के पास ही आयरन की कमी होगी तो बहुत संभावना है कि बच्चा भी आगे जाके दुबला हो, पतला हो, स्टंटेड हो, वेस्टेड हो, अंडरवेट हो, अंडर नरिश्ड हो। तो आप जड़ को देखिए कि यहाँ पे महिलाएं जो हैं उनको अच्छे से हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। उनकी आयरन की कमी होने की वजह से आने वाली जो जनरेशन है उसमें भी अलग अलग तरीके की मैल न्यूट्रिशन की समस्याएं प्रेवलेंट है। एक चीज़ और यहाँ पे पाई गई है, जैसे जैसे आपकी वेल्थ बढ़ती है यानी जैसे जैसे आपकी धन संपदा में वृद्धि होती है, वैसे वैसे जो कुपोषण है वो कम होता जाता है, यानी वैसे वैसे मैल न्यूट्रिशन डिक्रीज होता जाता है। मान लीजिए आज मेरे पास 100 रुपये की वेल्थ है तो आज मैल न्यूट्रिशन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। मान लेते हैं हम लोग 80 जो है मेरे मैल न्यूट्रिशन के यूनिट है। अगर मेरे पास आने वाले समय में ये 100 के 1000 रुपये हो जाएंगे तो देखा गया है मेरी सिर्फ 40 ही रह जाएगी, और आने वाले समय में ये मेरे 1 लाख रुपये हो जाएंगे तो मेरी ये 20 ही रह जाएगी। यानी जैसे जैसे मेरी धन में वृद्धि हो रही है, जैसे वेल्थ में इंक्रीमेंट आ रहा है, उस हिसाब से ही यहाँ पे मेरे कुपोषण में भी कमी आ रही है। और एक और यहाँ पे समस्याजनक बात है कि भारत जो है वो दो चीज़ों से सफ़र करता है। एक तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडर न्यूट्रिशन है, यानी उनको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिला है, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ओवर न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं। तो भारत में यही दोनों स्टार्क रियलिटी एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। एक तरफ देखें तो आपको अति पोषण दिखाई देगा, और अगर दूसरी तरफ देखें तो आपको अल्प पोषण दिखाई देगा। अब समस्याएं तो देख ली, लेकिन इनका समाधान क्या है, क्या सिफारिश इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने की है जिसके तहत भारत का मैल न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ाया जा सके, बेहतर किया जा सके। सबसे पहले तो आपने देखा कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है न्यूट्रिशन की। अगर हमने देखा महिला को सही से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा, तो फिर उस वजह से जनरली ये देखा गया है कि जो बच्चा है, जो उसका चाइल्ड होता है, वो भी बहुत हद तक मैल न्यूट्रिशनड है, स्टंटेड है, या फिर वेस्टेड है। तो जो पूरी चेंज शुरू हुई है वो है न्यूट्रिशन से। अगर महिला को सही से न्यूट्रिशन दिया गया होता, साथ साथ महिला को सही तरीके से एजुकेशन दी गई होती, जिसकी वजह से उसको खुद का ख्याल रखना आ पाता, समझ में आ पाता कि कितना न्यूट्रिशन इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स ठीक रखा जाता, वो कब होता, जब उसको सही से न्यूट्रिशन मिलता। तो जो जड़ है जनरली वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, वो आता है किसानों से और खेतों से। तो यहाँ पे हमको इस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। आपको फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करना है, यानी आपको किसानों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि भाई ऐसे आप ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाएं जहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अधिक हो। पोषक तत्वों की मात्रा अगर अनाज में अधिक होगी तो जो भी वो अनाज कंज्यूम करेगा वो सारे पोषक तत्व उसके शरीर में जाएंगे और आगे आने वाली उसकी जनरेशन पे पास होंगे। उसके लिए क्या हो सकता है, एक हम सॉइल हेल्थ कार्ड जो हमने शुरू किया था स्कीम, उसको और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिसके तहत ये देखा जाएगा कि सॉइल की हेल्थ सबसे बेस्ट किस में है, कौन सा वहाँ पे अनाज उगाना चाहिए, और यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी हम लोग सपोर्ट ले सकते हैं। उसके तहत क्या होगा, किसान जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिशन वाले अनाज उगा पाएगा। अभी क्या समस्या है दोस्तों, जनरली होता क्या है, कुछ ऐसे अनाज होते हैं जो हाई पेइंग होते हैं, जिसमें बहुत अच्छी पेमेंट मिलती है, कुछ ऐसे अनाज होते हैं जिन पे MSP होती है।
तो ये सब जो है किसान के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर बन जाते हैं। किसान सोचता है कि अगर मैंने इस ज़मीन पे कोई ऐसा अनाज उगा लिया जिसके लिए मेरे को कम से कम MSP तो मिलेगी ही मिलेगी, तो उसको डर नहीं होता। उसको लगता है कि अगर कल को मार्केट क्रैश भी हो गया, अगर मेरे को अपने अनाज के लिए सही दाम नहीं मिल पाए, तो मैं उसको सरकार को बेच दूंगा MSP पे। ये है मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो कि सरकार देती है कम से कम एक किसान को उसके अनाज के लिए या फिर उसके प्रोड्यूस के लिए। ऐसे में होता क्या है, कई ऐसी फर्टाइल लैंड होती हैं, कई ऐसी कृषि भूमि होती हैं जो इन अनाजों के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे ये पैसे वाला फैक्टर आ जाता है तो ज़बरदस्ती उस पर वैसे अनाज उगाए जाते हैं जिसके लिए वो सूटेबल ही नहीं है, जिसकी वजह से ना तो हमको माइक्रो न्यूट्रिएंट रिच अनाज मिल पाता है और ना ही वो भूमि ज़्यादा समय तक ये प्रैक्टिस सस्टेन कर पाएगी। तो इसके लिए ज़रूरी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। इसमें हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड की कवरेज बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो भी पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, यानी जो भी ऐसी वस्तु हैं जिनके खराब होने का डर है, उनके भंडारण की क्षमता में हमको सुधार करने की ज़रूरत है, जिससे कि एक बार अगर उसको हमने प्रोड्यूस कर भी दिया तो हमने कहीं पे उसको रख लिया, वेयर हाउसेज में रख लिया, हमने उसके स्टोरेज कैपेसिटी यूनिट्स में रख लिया, जिससे वो किसी भी तरीके से आने वाले समय में सड़े नहीं और किसान को उगाई हुई चीज़ के सही दाम मिल पाएँ, जिससे कि वो आगे वाले समय में ऐसे ही चीज़ों को उगाने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित रहे। फिर आपको अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसमें भी अगर मैं बोलूँ तो स्तनपान के रिस्पेक्ट में हमको अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। जब छोटा बच्चा होता है तो ये उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। उसको सभी अपनी न्यूट्रिशन की ज़रूरतें पूरे करने के लिए स्तनपान की बहुत ज़रूरत होती है, और इसका भी एक टाइम लिमिट फिक्स होती है कि इतने समय तक कम से कम आपको स्तनपान ही कराना है। लेकिन इसके बारे में लोगों में जागरूकता नहीं है, तो हमारा कहाँ पे दायित्व है? हमारा दायित्व ये है कि आपको जागरूकता यहाँ पे बढ़ानी चाहिए। और जो जेंडर मुद्दे हैं, यानी कि महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, महिलाओं को कम खाना देंगे, महिलाएं परिवार में सबसे आखिरी में खाएंगी, इस तरीके के मुद्दे आपको एड्रेस करना ज़रूरी है। क्योंकि एक जो ये सोच है कि महिलाओं को शिक्षित नहीं करना चाहिए, उस वजह से विमेन की जो लिटरेसी रेट है वो कम हो रही है। और रिपोर्ट ने ये पाया है कि जितनी कम शिक्षित महिलाएं होती है, उनका जो बच्चा होता है वो भी मैलन्यूट्रिशन की चपेट में आने के केस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबल होते हैं चांसेस। तो ये कुछ रिपोर्ट के फैक्ट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस में आंसर बनाएंगे तो यहाँ से आपका बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन आंसर तैयार हो सकता है। यहाँ पे आपके पास समस्याएं भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, और साथ साथ आपके पास रिकमेंडेशन भी हैं। तो वे फॉरवर्ड, देखिए जब भी आप मेंस का आंसर बनाते हैं तो शुरुआत में आपको लिखना होता है एक इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद ये होती है आपकी बॉडी, और अंत में होता है आपका कंक्लूजन। तो ये जो बॉडी वाला पार्ट है, ये ऐसा हिस्सा है जहाँ पे आपको अपनी सारी क्रिएटिविटी दिखानी है। यहाँ पे आपके पास जो भी तथ्य हैं, जो भी फैक्ट हैं, जो भी रिपोर्ट हैं, उन सबका यहाँ पे जिक्र करें। उससे आपका आंसर असल में मजबूत बनेगा, उसको भार मिलेगा। और याद रहे, एक भारी आंसर में मार्क्स काटने की संभावना बहुत कम हो जाती है। फिर जो ये वाला पार्ट है, अंत में जब आप कंक्लूड करेंगे या फिर आप अपना फाइनल डिसीजन सुनाएंगे, तो आपको दो बातों को ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको न्यूट्रल रह के बात सुनानी चाहिए, यानी कि आपको एक सकारात्मक अप्रोच रखनी चाहिए। आपके मन में किसी भी चीज़ के सल्यूशन की तरफ बढ़ने की धारणा होनी चाहिए, तो आपको न्यूट्रल रहना है। साथ में आपको पॉजिटिव रहना है कि भाई समस्याएं तो अभी है, मान लिया हमने, लेकिन इन समस्याओं का निवारण असंभव नहीं है, हम इसका इन इन तरीकों से निवारण कर सकते हैं। और फिर अगर बात करें किन तरीकों से, तो वो ये दूसरी यहाँ पे जो कड़ी है इस कंक्लूजन की, वो इस चीज़ को एड्रेस करेगी। यानी दूसरे भाग में आपको लिखना पड़ेगा वे फॉरवर्ड। तो इस वाले कंक्लूजन में आपको ये दो चीज़ें इंक्लूड करनी ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड क्या होगा, उसमें आप इनमें से कोई भी चीज़ें लिख सकते हैं कि आने वाले समय में हमको किसानों को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, सॉइल हेल्थ कार्ड बढ़ाने की ज़रूरत है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आपको कुछ एक पिक करनी है और अपनी सुविधा के अनुसार और क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार एक कंक्लूजन तैयार करना है। फिर हम चलते हैं अपनी अगली रिपोर्ट पे। ये जो रिपोर्ट है, ये है फीमेल के वर्क के ऊपर एंड लेबर फोर्स के पार्टिसिपेशन के ऊपर। भारत में महिलाओं का वर्क और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, ये रिपोर्ट इसको एड्रेस करती है। पहला पॉइंट होता है हर रिपोर्ट में कि किसने उसको बनाया है। तो यहाँ पे UNDP ने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को बनाया, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इस रिपोर्ट को बनाया है। साथ में उसने कई लोगों की मदद ली है, जैसे कि एक फाउंडेशन है IKEA फाउंडेशन, तो इन दोनों संस्था ने मिलकर ये रिपोर्ट रिलीज़ की है। रिपोर्ट का फोकस क्या रहा है, आपको इस रिपोर्ट के टाइटल से समझ में आ गया होगा कि हमको यहाँ पे देखना है महिलाओं का
कितना लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रहा है भारत में, इस चीज़ को ये रिपोर्ट देखेगी। और इनफैक्ट कुछ पहले ऐसे फिगर और फैक्ट्स आए थे जहाँ पे लिखा था कि महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है भारत में। तो उनकी क्या वजह है, किस वजह से महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा है, इस वाली पॉइंट पे भी ये रिसर्च और ये रिपोर्ट अपने प्रस्ताव पेश करेगी। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि रिपोर्ट का फोकस क्या है या फिर मुख्य रूप से किस ओर ये रिपोर्ट पॉइंट करती है, तो ये कह रही है कि देखो सबसे पहले भारत में लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की समस्या है। ये बात सबको पता है, पुराने फैक्ट्स पे भी हम जाएं तो फिर हम पाएंगे कि लेबर फोर्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम रहा है। अब नीचे आप फैक्ट भी एक लिखा हुआ देखेंगे, वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2017-18 में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी जो रेट थी, ये जो दर थी, वो सिर्फ 23.3% थी। और इतना नीचे आ गई है, ये एक हिस्टोरिक फिगर है, यानी इससे पहले कभी इतना कम नहीं हुई है। तो इसका तात्पर्य ये है कि 2017-18 वर्ष में और कम महिलाएं हो गई हैं जो कि लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, ज़्यादातर महिलाएं छोड़ के जा रही हैं। तो इन फिगर्स को देखते हुए ये जो रिपोर्ट है ये इस बात पे फैसला सुनाना चाह रही है कि ऐसा क्यों है कि इतना कम पार्टिसिपेशन रेट आ रहा है महिलाओं की तरफ से, और भारत में जबकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे लगातार यहाँ पे फोकस किया जा रहा है, रोज़गार बढ़ाने की हम लोग कई सारी कोशिशें कर रहे हैं, और साथ साथ भारत में बहुत सारे अलग अलग कौशल को बढ़ाने के इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। तो इतनी सारी जो पहले चल रही हैं उन इनिशिएटिव्स के बाद भी भारत में महिलाओं का श्रम बल में पार्टिसिपेशन जो है वो कम होता जा रहा है। यहाँ पे एक चीज़ ये पाई गई है, जो ग्रामीण इलाकों में वेमेन का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शहरी इलाके, यानी आप ये चीज़ ध्यान रखें, रूरल एरियाज़ में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़। उसके अलावा दोस्तों, जो शीर्ष कार्यशील आयु है, यानी कि जो पीक वर्किंग एज है, जो कि मानी जाती है 25 से 60 साल के बीच में, तो अगर मैं वहाँ पे मेल का फिगर देखूँ तो मेल्स में 96% से ज़्यादा मेल वहाँ पे लेबर फोर्स में इन्वॉल्व हैं। तो इसका तात्पर्य, अगर मान लेते हम लोग टोटल 100 मेल हैं तो उसमें से सिर्फ 4 ही यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, बाकी 96 मेल ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी तरीके से लेबर फोर्स में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के मैं दो गोले यहाँ पे लूँगा, एक है रूरल, एक है अर्बन। तो ये जो रूरल है यानी कि ग्रामीण इलाके हैं, अगर यहाँ पे टोटल 100 महिलाएं हैं तो पाया गया है सिर्फ 37.48%, यानी 37.48% जो हैं महिलाएं, करीब 38 महिलाएं लेबर फोर्स में एंगेज होती हैं। और अगर यही चीज़ आप अर्बन एरिया में मानेंगे तो फिर वो सिर्फ 25 से 28% तक है, यानी अर्बन एरियाज में सिर्फ 25 से 28 महिलाएं ऐसी हैं जो श्रम बल में अपनी भागीदारी दिखाती हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, अगर प्री के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ये रिपोर्ट किसने छापी है, कौन कौन से इसमें एसोसिएटिंग एसोसिएशंस में इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, इस रिपोर्ट में किस चीज़ पे फोकस किया गया है, और अगर कोई पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर ये रिपोर्ट अपनी सारी फाइंडिंग्स को तय करती है, तो वो क्या पैरामीटर्स हैं। प्री में इससे आगे कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं ये आपको मेंस में आंसर बनाने में बहुत काम आने वाले हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, ये है SDG जेंडर इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये किसने डेवलप किया है, सबसे पहले तो इक्वल मेजर्स 2030, तो इस संस्था ने इसको डेवलप किया है। इसके डेवलपमेंट में बहुत सारे और भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने साथ दिया है, जैसे कि अफ्रीकन वुमेन डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो ये पहला है। उसके अलावा एशियन पैसिफिक रिसोर्स एंड रिसर्च सेंटर ऑफ वुमेन, ये दूसरा है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये तीसरा है। प्लान इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल वुमेन हेल्थ कोलिशन, ये चौथा और पांचवा है। तो टोटल ये 5 संस्था है जो कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। इन 5ों संस्था ने सपोर्ट दिया है इक्वल मेजर 2030 को, और इन लोगों ने साथ में मिलकर ये SDG जेंडर इंडेक्स प्रिपेयर किया है। अब ये बात कर रहा है कि जेंडर से संबंधित, यानी क्या कहीं पे जेंडर इक्वालिटी है या फिर नहीं है। तो इस पैमाने पे ये टोटल 129 कंट्रीज़ को देख रहा था, और इसमें ताज्जुब की बात ये है कि भारत की बड़ी गंभीर स्थिति है, और भारत ने 95th यहाँ पे रैंक ऑब्टेन की है। तो अब देखिए,
हम लोग 95th आए हैं आउट ऑफ 129 कंट्रीज, जो कि बहुत खराब परफॉर्मेंस है. हमको इस चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है. इसका तात्पर्य ये है कि जो भारत में जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए वो जेंडर इक्वालिटी नहीं है. महिला और पुरुष एक बराबर नहीं समझे जाते अलग अलग पैरामीटर्स पे जब हम उसको देखते हैं. यहाँ पे एक स्कोर के बेस पे, यानी कि एक स्कोर के बिना पे पूरी चीज़ तय की गई है. स्कोर का जो स्केल था वो था 0 से 100 तक. अगर 100 किसी ने ऑब्टेन किया, इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री में महिला और पुरुष को बिल्कुल बराबर समझा जाता है हर एक फील्ड में. लेकिन अगर किसी ने उसके विपरीत में 0 की तरफ के कोई भी फिगर ऑब्टेन किए, यानी कि वहाँ पे जो जेंडर गैप है वो बढ़ता चला जा रहा है. जितना आप 0 के नज़दीक जाएंगे उतना ज़्यादा आपके देश में जेंडर गैप ज़्यादा होगा. उसके अलावा आगे के फिगर और ज़्यादा गंभीर हैं. भारत जो है वो एशिया एंड पैसिफिक रीजन में कुछ निचले देशों के साथ आता है. यहाँ पे टोटल 23 एशिया और पैसिफिक कंट्रीज़ को स्टडी किया गया. भारत का स्थान है 17th, यानी 23 में से 17th पोजीशन पे भारत आ रहा है. तो ये एक समस्या है. और जो स्कोर है हमारा वो है 56.2, यानी कि हम लोग बहुत ख़राब की कैटेगरी में पड़ते हैं. अब जो भी हमने अपने अच्छे स्कोर ऑब्टेन किए हैं वो कहाँ पे किए हैं? प्राइमरी एजुकेशन में किए हैं, हेल्थ में किए हैं, हंगर एंड न्यूट्रिशन में किए हैं और एनर्जी में किए हैं. यानी कि हमने यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख और पोषण तथा ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में अच्छे अंक उत्पन्न किए हैं. और अगर मैं बोलूँ सबसे ख़राब अंक हमको कहाँ पे मिले हैं, तो वो मिले हैं कि कितनी महिलाओं को सीट्स दी गई है, या फिर क्या प्रपोर्शन है सीट्स का जो कि पार्लियामेंट में महिलाओं को दी गई हैं. तो उसमें हमको बहुत ख़राब स्कोर मिला है. यानी मेल के कंपैरिजन में अगर मैं फ़ीमेल की बात करूं या वुमेन की बात करूं, तो बहुत सारे मेल जो हैं वो पार्लियामेंट में हैं, लेकिन वुमेन कंपैरेटिवली बहुत कम प्रपोर्शन में है. तो इसी वजह से इस वाले एरिया में हमको बहुत कम स्कोर मिला है. उसके अलावा इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, क्लाइमेट, यानी कि जलवायु, नवाचार, अवसंरचना और उद्योग में हमने बहुत कम स्कोर ऑब्टेन किया है. तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. उसके अलावा यहाँ पे भारत की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है, बहुत गंभीर है. तो इस पूरे फैक्ट को आप अपने आंसर में वहाँ पे इस्तेमाल करें जहाँ पे आपको दिखाना हो कि अभी स्थिति गंभीर है. फिर हम चलते हैं एक दूसरे रिपोर्ट की ओर. ये है यूएन वुमेन की नई रिपोर्ट, यानी कि एक संस्था जिसका नाम है यूएन वुमेन, और जैसे कि उसमें लिखा है वो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है. उसने एक नई रिपोर्ट रिलीज़ की है. रिपोर्ट का टाइटल है प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड्स वुमेन 2019-2020 फैमिलीज इन अ चेंजिंग वर्ल्ड. तो ये रिपोर्ट क्या है, ये बेसिकली फैमिली की सारी चीज़ों को देखती है. ये देखती है कि पूरे विश्व भर में कितनी अलग अलग परिवार की कितने अलग अलग तरीके की फैमिलीज़ हैं, यानी कितने अलग अलग तरीके के परिवार हैं, और ये रिकमेंड करती है या फिर सिफारिश देती है कि फैमिली में इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए. ओवरऑल अगर हम बताएं सरकार के लेवल पे, तो इस तरीके की नीतियाँ होनी चाहिए कि वो सभी फैमिली मेंबर्स पे इक्वल ध्यान दें, हर एक फैमिली मेंबर को पूरी तरह सपोर्ट करें. यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं या फिर जो छोटी लड़कियां होती हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनको इतना सपोर्ट नहीं दिया जाता फैमिली की तरफ से. तो सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाए जिसके तहत जो फैमिलीज़ हैं उसमें हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंट हो, हर एक व्यक्ति पे अच्छे से ध्यान दिया जाए. तो अगर यहाँ पे भारत की स्थिति देखें हम, तो भारत में परिवारों का क्या फिगर्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, तो देखिए जो फैमिली कपल्स में रहती हैं जहाँ पे उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, ऐसी 46.7% फैमिलीज़ हैं. तो ये आप फिगर ध्यान रखें. उसके अलावा कुछ ऐसी फैमिली हैं जो एक्सटेंडेड हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, ऐसी 31% हैं. उसके अलावा कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जो कि सिंगल पर्सन फैमिली हैं, तो ये है 12.5%. 4.5% भारत के ऐसे हाउसहोल्ड्स हैं जो कि सिंगल मदर द्वारा चलाए जाते हैं. तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. अगर आपको महिला के बारे में कहीं लिखना हो तो आप ये वाला फैक्ट ज़रूर वहाँ पे लिखें कि भारत में 4.5% ऐसे परिवार हैं जो सिंगल मदर चला रही हैं. और ये बात आप खुद नहीं कह रहे, ये एक यूएन वुमेन संस्था है, उसकी रिपोर्ट में कही गई है. तो बात में अपने आप बहुत दम हो गया, बहुत ऑथेंटिक बात हो गई. यहाँ पे रिपोर्ट एनालाइज क्या करती है, रिपोर्ट देखती है कि भाई कैसे अलग अलग जो फैमिली के स्ट्रक्चर है, यानी जो पारिवारिक संरचनाएं हैं, वो किस प्रकार से महिलाओं और उनकी पसंद को प्रभावित करती हैं, महिलाओं की चॉइस को और उनके डिसीजंस को किस तरीके से प्रभावित करती हैं. तो एग्जांपल के तौर पे हम बताते हैं, यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है जो ऐसे परिवार हैं जिसमें सिर्फ मदर है, ऐसे परिवार में पॉवर्टी रेट की बात करें या फिर गरीबी की बात करें तो 38% है,
और अगर ऐसे परिवार को हम इससे कंपेयर करते हैं जहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स हैं फादर और मदर, वैसे परिवार में जो गरीबी है वो सिर्फ 22.6% पाई गई है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ सिफारिशें रखी गई हैं, कुछ रिकमेंडेशन रखे गए हैं। सबसे पहले तो कहा गया है जो फैमिली लॉ हैं उनमें परिवर्तन की ज़रूरत है, उनमें संशोधन की ज़रूरत है। और कैसा संशोधन होना चाहिए, महिलाओं को कब विवाह करना है, महिलाओं को किससे विवाह करना है, इसका चयन करने का उनको पूरा अधिकार होना चाहिए। और परिवार के जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों तक उन लोगों की पहुंच होनी चाहिए। तो ये कुछ संशोधन हैं जिनकी ज़रूरत है। यानी कि महिला की अगर मैं बात करूँ तो डिसीजन मेकिंग को हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने पे बात कर रहे हैं। उसके अलावा पार्टनरशिप के अलग अलग तरीकों को, अलग अलग फॉर्म्स को हमको अपनाने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। उसके अलावा हमको पब्लिक सर्विसेज में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। और अगर उसमें भी बात करूँ तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में हम लोग अभी भी बहुत तरक्की नहीं कर पाए, वहाँ पे अभी भी बहुत कदम हमको चलने बाकी हैं। आज भी इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट की बात करूँ या फिर मैं मेटरनल मोर्टैलिटी रेट की बात करूँ तो दोनों ही जो फिगर्स हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। तो उनको कम करने की ज़रूरत है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज में सुधार लाने की भी बहुत ज़रूरत है। वो कैसे होगा, वो तब होगा जब आप उसमें निवेश करेंगे, उसमें आप इन्वेस्टमेंट लाएंगे। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया संशोधन लाने की ज़रूरत है। उसके अलावा अलग अलग तरीके की साझेदारियाँ जो हैं उनको यहाँ पे मान्यता प्रदान करनी चाहिए। और तीसरी बात, हमको सरकारी या फिर सार्वजनिक सेवाओं में निवेश लाने की इम्पॉर्टेंट नीड है। और उसमें भी अगर हम विशेष तौर पर बात करें तो प्रजनन संबंधी जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनमें निवेश की अति आवश्यक नीड है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब हम देख लेते हैं ये जो संस्था के बारे में जिसने ये पूरा रिपोर्ट निकाली है, यूएन वेमेन। ये क्या है, ये सीधी सी बात है एक संयुक्त राष्ट्र की एंटिटी है। 2010 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और जैसे कि आप इसका नाम देख रहे हैं, ये महिलाओं को डेडिकेटेड है, यानी कि ये जेंडर इक्वालिटी पर काम करती है और महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करती है। ये कोशिश ये करती है कि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं महिलाओं से रिलेटेड, लड़कियों से रिलेटेड, कन्याओं से रिलेटेड, उन सब को एक्चुअल रियलिटी बनाया जा सके। तो ये जो है फैक्टर्स आपको याद रखने हैं, 2010 वर्ष आपको याद रखना है और किसके लिए ये काम करती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले टॉपिक की ओर। ये है पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर के बारे में, यानी जनसंख्या शोध केंद्र के बारे में। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक जनसंख्या शोध केंद्र के लिए कार्यशाला का आयोजन किया है, यानी कि एक नेशनल वर्कशॉप का आयोजन किया गया है पीआरसीज के लिए। अब भाई मुद्दा सारा आके अटकता यह है कि पीआरसी होता क्या है। देखिए, इसी मिनिस्ट्री ने अगर ये ऑर्गेनाइज़ किया है तो इसी मिनिस्ट्री के अंडर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती होगी। ये जो मिनिस्ट्री है ये है फैमिली वेलफेयर की, यानी पॉपुलेशन से संबंधित सारे मैटर्स फैमिली वेलफेयर की ही मिनिस्ट्री देखेगी। तो इसी वजह से ये जो पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर है या फिर जनसंख्या शोध केंद्र है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एस्टैब्लिश किया है। ये पूरा नेटवर्क के तौर पे बनाया गया है और ऐसे टोटल 18 पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं। तो ये 17 स्टेट्स में इस तरीके से स्प्रेड हैं। भारत में ये रिसर्च प्रोजेक्ट कैरी आउट करते हैं। जैसा इनका नाम है आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं, पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर। ऐसे सेंटर हैं ये जहाँ पे पॉपुलेशन से संबंधित रिसर्च को कैरी आउट किया जाए। अब पॉपुलेशन संबंधित रिसर्च क्या है, किस तरीके से हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने की एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है फैमिली को प्लान करना। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग के बारे में देखी जाती है बात, डेमोग्राफिक रिसर्च की बात की जाती है, और भी अलग अलग बायोलॉजिकल स्टडीज़ क्या हैं, क्या क्या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम स्टेप्स ले सकते हैं, इन सभी मुद्दों पे यहाँ पे रिसर्च कैरी आउट की जाती है। आपको ध्यान में ये रखना है ये जो इंस्टीट्यूशन है ये ऑटोनॉमस है, यानी कि ये स्वायत्त प्रकृति के हैं। एक इम्पॉर्टेंट दूसरी बात ये है कि भाई किसके कंट्रोल के अंदर होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसमें होता है इनकी यूनिवर्सिटीज़ का या इंस्टीट्यूशन का। ये जो रिसर्च सेंटर हैं ये बेसिकली किसी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एस्टैब्लिश होते हैं। मान लीजिए कोई एक यूनिवर्सिटी है, ये ABC यूनिवर्सिटी, तो ये इसके अंदर बना हुआ एक PRC है, यानी पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर है। इसमें पॉपुलेशन संबंधित सभी रिसर्च कैरी आउट की जाएंगी और ये जो यूनिवर्सिटी है इसका ही इस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा। लेकिन फिर से अपन अगर बात करें किसने इसको बनाया है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। याद कैसे रखेंगे, फैमिली वेलफेयर की बातें कब होंगी, जब फैमिली प्लानिंग की बातें होंगी।
फैमिली प्लानिंग या फैमिली से रिलेटेड कोई भी बात होगी तो उसमें पॉपुलेशन संबंधित बात ज़रूर आएगी। तो वो मिनिस्ट्री है जो कि फैमिली के वेलफेयर से डील करती है, वही मिनिस्ट्री इसको डेवलप करेगी। इसके अलावा जो भी मिनिस्ट्री इसको स्टडी करने को कहती है ये स्टडी करता है। उसके अलावा इसको 100% सेंट्रल असिस्टेंस दी जाती है, ग्रांट इन एड के फॉर्म में, ईयर टू ईयर बेसिस पे, यानी प्रति वर्ष इनको 100% सेंटर की तरफ से, केंद्र की तरफ से सहायता प्रदान की जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। ये एक अधिनियम है, मुस्लिम महिला का विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 या फिर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। अब जब ये अधिनियम पारित, जब ये बिल पारित कर दिया गया, ये अधिनियम बन गया है, तो इसने बेसिकली ऐसे ही एक पुराने एक्ट को रिप्लेस कर लिया, एक पुराने अधिनियम को रिप्लेस कर लिया जो कि 1986 में बना था शाह बानो केस के बाद। तो यहाँ पे एक मैं आपको ब्रीफ समझा देता हूँ शाह बानो केस क्या था। देखिए, सन था 1985 जब एक मुस्लिम महिला जिसका नाम था शाह बानो ने अपने हस्बैंड जिनका नाम था मोहम्मद अहमद खान उनके खिलाफ एक पिटीशन दायर किया था इंदौर के हाईकोर्ट में और कहा था कि इनको मेंटेनेंस अमाउंट मिलना चाहिए। हुआ क्या था भाई, इनके जो हस्बैंड है इन्होंने शाह बानो को एक इरिवोकेबल डिवोर्स दे दिया था, यानी ऐसा डिवोर्स दे दिया था, ऐसा तलाक दे दिया था जिसको वापस रिवोक नहीं किया जा सकता उनके इस्लामिक लॉ के तहत। और डिवोर्स के बाद उन्होंने कहा कि भाई उनका इस्लामिक लॉ ये कहता है क्योंकि अब शाह बानो उनकी पत्नी नहीं रही तो इसीलिए कोई भी मेंटेनेंस अमाउंट वो नहीं देंगे एक्सेप्ट जो उनका इस्लामिक लॉ कहता है ₹5400। तो अब देखिए, आप बताइए ₹5400 में कैसे एक महिला अपने बच्चों समेत अपना ध्यान रख पाएगी, अपने सारे खर्चे निकाल पाएगी। और यहाँ पे मोहम्मद अहमद खान ने कहा था कि भाई क्योंकि अब ये मेरी वाइफ नहीं रही इसीलिए मेरा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि मैं इनको कोई मेंटेनेंस अमाउंट दूँ, मैं दूंगा सिर्फ ₹5400 जो मेरा इस्लामिक लॉ कहता है। तो ये जो पूरा केस है फिर ये ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे रिलीजन को साइड में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेक्युलर सीआरपीसी के तहत जजमेंट दिया। जो शाह बानो है वो सेक्शन 123 सीआरपीसी के तहत पूरा अपना केस लड़ रही थी। उन्होंने कहा ये जो सेक्शन है ये एक पति को ये ऑब्लिगेशन में डालता है कि भाई अगर आपका डिवोर्स हो गया है तो आपको अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा अगर वो अपने आप को फाइनेंशियली सही तरीके से कैरी आउट नहीं कर सकती, सक्षम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे उनके जो हस्बैंड है उनका पूरा क्लेम था उनके खुद के इस्लामिक लॉ के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इसमें चर्चा के बाद, बहुत एनालिसिस के बाद ये बात कही कि भाई जो सीआरपीसी है वो पूरे भारत में हर एक व्यक्ति पे अप्लाई करता है, वो सेक्युलर है, वो आपके रिलीजन को नहीं देखता, भले ही आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, लेकिन सीआरपीसी की धाराएं सब पे इक्वली एप्लीकेबल हैं। और सीआरपीसी के तहत अगर लिखा है सेक्शन 123 में आपको अपने वाइफ को मेंटेनेंस देना है तो वो आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये सीआरपीसी सेक्युलर है और ये ऊपर है आपके रिलीजियस लॉज से। तो दोस्तों, यहाँ जो शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसको फिर बाद में एक एक्ट, एक अधिनियम के तहत बदल दिया गया और वो एक्ट यही वाला था, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। और इसके तहत बताया गया कि भाई मेंटेनेंस पीरियड जो होता है वो सिर्फ इद्दत पीरियड के बराबर ही हो सकता है। अब ये इद्दत पीरियड क्या होता है, मुस्लिम लॉ के अनुसार जब किसी भी महिला के पति का या तो निधन हो जाता है या फिर उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है तो कुछ समय ऐसा होता है जब वो महिला किसी और पुरुष से विवाह नहीं कर सकती, तो वो जो पीरियड होता है उसको हम कहते हैं इद्दत पीरियड। तो यानी कि इस एक्ट के तहत ये बात कही गई कि भाई मेंटेनेंस कब तक देगा आपका हस्बैंड आपको, जब तक वो इद्दत पीरियड आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि जब तक आप किसी और व्यक्ति से विवाह नहीं करते तब तक ये इद्दत पीरियड कंसिडर किया जाएगा और तब तक ही मेंटेनेंस दिया जाएगा। हालांकि ये कई बार सरकमस्टेंस पे बेस्ड भी होता है और जनरली ऐसा माना जाता है कि ये 3 महीने के आसपास का टर्म रहता है। और इस एक्ट के तहत ये कहा गया कि अगर कोई ऐसी महिला है जो अपना खुद का मेंटेनेंस नहीं कर सकती, अपने चिल्ड्रन का मेंटेनेंस नहीं कर सकती, तो मजिस्ट्रेट जो कि हैं वक्फ बोर्ड को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो उस महिला के लिए और उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मेंटेनेंस कॉस्ट दें। तो ये तो थी बैकग्राउंड की बात। अब हम बात करते हैं फिलहाल जो ये एक्ट आया है 2019 का, ये नए अधिनियम के तहत जो 1986 वाला एक्ट था उसको रिप्लेस कर दिया गया है। तो अभी वाले एक्ट के अनुसार क्या है, सबसे पहली बात ये है कि ट्रिपल तलाक को यहाँ पे इनवैलिडेट कर दिया गया, यानी ट्रिपल तलाक नहीं मान्य है, ये इलीगल होगा।
और अगर फिर भी कोई जोर जबरदस्ती करता है, तलाक 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 इस तरीके से 3 बार बोल देता है और अपनी वाइफ को निकाल देता है, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी और उसको 3 साल तक का कारावास दिया जा सकता है। तो आप ध्यान रखें, यहाँ पे ये एक दंडनीय अपराध के तौर पे घोषित कर दिया गया है और 3 वर्ष तक का कारावास इसके संबंध में आपको मिल सकता है। उसके अलावा इसको एक संज्ञेय अपराध के रूप में भी वर्णित किया गया है, यानी कॉग्निजेबल बताया गया है ऑफेंस को। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस से क्या मतलब है, देखिए जब भी अगर पुलिस को किसी पर्टिकुलर केस में इन्वेस्टिगेट करना होता है तो उसको एक वारंट चाहिए, या फिर अगर आसान भाषा में कहूँ तो परमिशन चाहिए होती है। लेकिन अगर कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल बताया गया हो तो ऐसे में पुलिस को किसी की भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे जाएगी वहाँ पर सर्च कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, सिर्फ इसी बात से कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है पुलिस को ज़्यादा पावर्स मिल जाती हैं। इस एक्ट के तहत एक और बहुत अच्छी बात कही गई है, वो है कि यहाँ पे रिकंसाइलेशन का एक स्कोप है बिना निकाह हलाला की मदद लिए। अब यहाँ पे आपको दो शब्द समझने की ज़रूरत है। देखिए मान लेते हैं ये दो व्यक्ति हैं, इन लोगों की शादी हो गई है, ये ए है ये बी है, बी जो है वो महिला है। अब अगर ये लोग डिवोर्स कर लेते हैं ट्रिपल तलाक के तहत, यानी कि मान लेते हैं ये जो ए करके मैन है, इसने 3 बार तलाक 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 बोल दिया और उसके तहत तुरंत प्रभाव से इनका डिवोर्स हो गया, लेकिन फिर इनको लगता है कि यार ठीक नहीं है, वही मेरे लिए सही था, तो ये ए और बी वापस अगर रिकंसाइल करना चाहें, यानी वापस अगर अपने तलाक को ख़त्म करके एक साथ आना चाहें, तो अभी फ़िलहाल के लॉ के हिसाब से इनको जो स्त्री है, जो महिला है, उसको निकाह हलाला के तहत गुजरना होगा। अब देखिए निकाह हलाला समझते हैं, मैं बताता हूँ। ए और बी एक कपल है जिसमें जो ए है वो है मैन और जो बी है वो है वुमेन। इन लोगों के बीच में तलाक हो गया है, ट्रिपल तलाक हुआ है, जिसके तहत अभी डिवोर्स हो गया है, लेकिन अब इनको लगता है कि भाई वापस हमको साथ आने की ज़रूरत है। तो जो अभी लॉ है उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से एक और सी समझ लीजिए आप, दूसरा मैन है, तो इस महिला को इस सी से शादी करनी पड़ेगी। शादी के बाद उसको इस मैरिज को कंज्यूमेट करना पड़ेगा, यानी इस पुरुष से उसको सेक्सुअल इंटरेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद ये महिला इस पुरुष को डिवोर्स देगी, उसी के बाद इस महिला को वापस अलाउड है ए से शादी करना। जो ये पूरी प्रथा है इसको बोला जाता है निकाह हलाला। अब इसमें आप सोचिए इस महिला के ऊपर कितना ज़्यादा मानसिक टॉर्चर हो रहा है, क्योंकि उसको जाना है अपने पुराने पति के पास, लेकिन ज़बरदस्ती उसे एक तीसरे से शादी करनी पड़ रही है, उस तीसरे के साथ उसको दाम्पत्य जीवन बिताना पड़ रहा है कुछ हद तक, उसके बाद उसको इसको डिवोर्स दे के फिर अपने पहले हस्बैंड के पास जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो नया बिल है, जो नया अधिनियम है, एक्ट है, उसके तहत ये बात कही गई है कि भाई निकाह हलाला के तहत आपको नहीं गुजरना पड़ेगा और हम एक दूसरी अप्रोच लाएंगे जिसके तहत आप अपने पति से वापस कंसाइलेट कर सकते हैं, यानी वापस आप लोग ए और बी एक साथ हो सकते हैं। और किसी भी महिला, समझ लेते हैं, इस महिला के खिलाफ अगर तलाक डिक्लेयर हुआ है, इनके पति ने तलाक डिक्लेयर किया है, तो इस महिला को सभी मेंटेनेंस कॉस्ट मिलने चाहिए अपने लिए और अपने छोटे बच्चों के लिए। और इसमें कितना अमाउंट मिलेगा, कितना पैसा पति को देना पड़ेगा, ये तय कौन करेगा, ये तय करेगा मजिस्ट्रेट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन तय करेगा इस अमाउंट को, तो याद रखना है आपको मजिस्ट्रेट तय करेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो निकाह हलाला से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरी प्रक्रिया आपको दी जाएगी जिसके तहत आप वापस सुलह कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। और यहाँ पे कोई भी मुस्लिम विमेन जिसके खिलाफ इस तरीके से तलाक दिया गया हो तो वो अपने बच्चों की कस्टडी के लिए मांग कर सकती है, अगर उसके माइनर चिल्ड्रन हैं तो, यानी अगर उसके अवयस्क बच्चे हैं तो वो उन बच्चों की अभिरक्षा की या फिर कस्टडी के लिए मांग कर सकती है। और ये कौन निर्धारित करेगा कि किस तरीके से ये पूरी कस्टडी दी जाएगी, फिर से यहाँ पे मजिस्ट्रेट को ही रोल दिया गया है। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि मुस्लिम वेमेन को कितना पैसा मिलेगा, कितना मेंटेनेंस मिलेगा अपने और अपने बच्चों के लिए, वो डिसाइड करेंगे मजिस्ट्रेट। साथ साथ अगर मुस्लिम वेमेन कोई अपने अवयस्क बच्चों के लिए, माइनर चिल्ड्रन के लिए कस्टडी की डिमांड करती है, तो यहाँ पर भी पावर दी गई है मजिस्ट्रेट को। अब हम चलते हैं एक दूसरे अधिनियम की तरफ, ये है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, या फिर उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। ये जो एक्ट है ये फिलहाल में बना है, अभी अभी इसका जो बिल है वो पारित किया गया है पार्लियामेंट द्वारा। अब हम लोग जानते हैं इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन। सबसे पहले तो इस एक्ट ने ट्रांसजेंडर पर्सन को डिफाइन किया है, यानी कि
यहाँ पे बताया गया है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसका जेंडर मैच नहीं करता जो जेंडर उसको असाइन किया गया बर्थ के टाइम पे, उसको ट्रांसजेंडर कहा गया है। यानी यहाँ पे जो स्कोप है उसको बढ़ाया गया है और इसमें ट्रांस मैन और ट्रांस वेमेन को भी शामिल किया गया है। यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिसका लिंग जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाता, उस व्यक्ति को आप कहेंगे उभयलिंगी व्यक्ति। अब एक व्यक्ति का अधिकार है कि वो किस तरीके से अपने आप को दर्शाना चाहता है, उसके पास राइट टू चूज है कि वो खुद को पुरुष के तौर पर दर्शाना चाहता है या महिला के तौर पर दर्शाना चाहता है या फिर ट्रांसजेंडर के तौर पर दर्शाना चाहता है, माफ़ कीजिएगा, दर्शाना चाहता है। तो इसमें कौन कौन आ सकते हैं? इसमें पुरुष और महिलाएं जो कि उभलिंगी हैं या फिर मध्यलिंगी हैं, समलैंगिक व्यक्ति भी इसमें आएंगे, किन्नर और हिंजड़े भी इसमें आएंगे, तो ये सभी लोग इसमें सम्मिलित हैं। अब ये जो एक्ट है इसमें 8 अलग अलग तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन है यानी जो भेदभाव हैं उनको यहाँ पे वर्जित किया गया है, उनको प्रोहिबिट किया गया है। अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? पहली बात तो आप उनको सर्विस ना दें या फिर उनके साथ अच्छे से ट्रीट ना करें। समझ लीजिए, अगर कोई नाई मना कर दे कि मैं इस व्यक्ति के बाल नहीं काटूंगा क्योंकि ये ट्रांसजेंडर है, तो ये इस एक्ट के तहत एक अपराध की तरह देखा जाएगा। उसके अलावा एजुकेशन में अगर किसी भी तरीके से उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए, एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेट किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में डिस्क्रिमिनेट किया जाए, अगर वो किसी एक दुकान से पब्लिक गुड लेने जाए और उनको बोला जाए कि ये व्यक्ति ट्रांसजेंडर है इसीलिए मैं इसको ये गुड नहीं दे सकता, तो ये भी यहाँ पे अपराध के रूप में देखा जाएगा। उनको अगर राइट टू मूवमेंट नहीं दिया जाए, राइट टू रिसाइड नहीं दिया जाए, कोई प्रॉपर्टी रेंट करने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी तरीके की पाबंदी लगाई जाए, यानी कि अगर मान लीजिए मैं रेंट पे अपना घर देता हूँ पर कोई व्यक्ति मेरे पास रेंट पे देने के लिए लेने के लिए आता है, तो मैं ये देख के मना कर देता हूँ कि वो ट्रांसजेंडर है इसीलिए मैं उसको अपना घर रेंट पे नहीं दूंगा, तो इस वाली चीज़ को भी यहाँ पे अपराध के तौर पे देखा जाएगा। कोई सार्वजनिक पद या फिर निजी पद अगर ऐसा व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसको पूरी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, अगर आपने उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी तो ये भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन का एक फॉर्म है और अगर आप डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व हुए तो इसके कारण से आपके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। उसके अलावा इस तरीके से सरकारी और प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट में अगर उनको जाने की अनुमति ना दी जाए जहाँ पे ऑलरेडी किसी ट्रांसजेंडर पर्सन की कस्टडी है, तो ये भी उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन के तौर पे देखा जाएगा, जो फिर से आपराधिक दृष्टिकोण लिए हुए माना जाएगा। यहाँ पे एक और राइट दिया गया है, अधिकार क्या है कि भाई किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से अपनी जेंडर आइडेंटिटी चुन पाए, यानी क्या वो पुरुष की तरह प्रोजेक्ट होना चाहेगा, एक महिला की तरह होना चाहेगा या फिर एक ट्रांसजेंडर की तरह होना चाहेगा, ये पूरी तरह उसके ऊपर है, ये उसका खुद का डिसीजन होगा और इसके तहत एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी भी इशू किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इस ट्रांसजेंडर पर्सन को। और इनकेस अगर वो बाद में सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाता है तो एक रिवाइज्ड सर्टिफिकेट भी इशू किया जा सकता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा। तो समझ लीजिए, अगर उसने पहले मैन के तौर पे एक सर्टिफिकेट असाइन करवा लिया हो, बाद में वो सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराता है जिसके तहत वो अपने ओरिएंटेशन में बदलाव लाता है, तो वो एक नया रिवाइज सर्टिफिकेट भी इशू करवा सकता है। और आपको याद रखना है, ये जो पहचान का प्रमाण पत्र है ये जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही इशू किया जाएगा। हर एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को ये अधिकार है कि उसको रेसिडेंस के लिए मना नहीं किया जाएगा भले ही वो उसके खुद के घर में हो। क्या होता है जनरली, जब पेरेंट्स को कई बार पता पड़ता है कि जो मेरा बच्चा है वो एक ट्रांसजेंडर के तौर पे सोच रखता है, तो वो लोग कई बार क्या करते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं। लेकिन ये बिल कहता है कि भाई ऐसा आप नहीं कर सकते, एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के पास पूरा अधिकार है कि उसे रेसिडेंस दी जाए, अगर वो कहीं और रिसाइड करना चाहे, किसी रेंट की प्रॉपर्टी पर रिसाइड करना चाहे, खुद का घर खरीदना चाहे, या फिर वो ऑलरेडी अगर अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हो, अपने हाउसहोल्ड में रह रहा हो फैमिली के साथ, तो भी उसको निकाला नहीं जा सकता, यहाँ पे भी उसके पास राइट टू रेसिडेंस है। अगर इनमें से कोई भी अपराध करता कोई व्यक्ति पाया गया तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी, उसके ऊपर जेल टर्म तक लगाया जा सकता है, यानी उसको कारावास में रखा जा सकता है 6 महीने से लेकर 2 साल तक, साथ में उससे पेनल्टी भी वसूल की जा सकती है। मेनली जो ऑफेंस है उसको इन कैटेगरीज में लिस्ट किया गया है। सबसे पहले अगर बंधुआ मजदूर के तौर पे अगर काम करवाएंगे कोई भी, तो उसको ऑफेंस के तौर पे गिना जाएगा और आपको ये सारी सजाएं दी जा सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर सार्वजनिक उद्देश्यों के कारण कहीं पे ऐसा अनिवार्य कर दिया जाए कि सरकारी सेवा में आपको
जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे जो वो काम कराएंगे आपको करना ही पड़ेगा, तो वो यहाँ पे एक एक्सक्लूजन है, उसको एक ऑफेंस के तौर पे नहीं गिना जाएगा। उसके अलावा अगर कहीं भी मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी और ट्रांसजेंडर को अपना सर्वेंट बना के रख ले और उससे फोर्स लेबर करवाए, तो ये ऑफेंस के तौर पर गिना जाएगा। उस व्यक्ति को 6 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है। उसके अलावा कोई पब्लिक प्लेस यूज़ करने से अगर आप मना करें, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति को अगर मना करा जाए कि वो किसी पार्क में नहीं आ सकता या फिर किसी कुएं से वो पानी नहीं निकाल सकता, तो ये सब भी इसी ऑफेंस के तहत गिने जाएंगे और उसमें भी आपको जेल टर्म हो सकता है। उसके अलावा अगर आप उसको घर से निकाल दें या फिर उसको गांव से ही निकाल दें, तो ऐसे में भी जो ये डिसीजन में शामिल होगा उसको इस तरीके के ऑफेंसेस के अंदर देखा जाएगा और उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और आखिरी है, अगर कभी किसी भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति का आप किसी भी तरीके से अब्यूज़ करते हैं, यानी उत्पीड़न करते हैं, भले ही वो फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, वर्बल हो, इमोशनल हो और इकोनॉमिक हो, ध्यान रहे यहाँ पे वर्बल भी है, अगर आपने उसको मौखिक रूप से किसी भी तरीके से उत्पीड़न दिया है, मान लेते हैं आपने उसको कोई इस तरीके की बात कही है जिससे उसकी भावनाओं को ठेस पहुँची है, आपने उसके सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर यानी कि जो ट्रांसजेंडर है इस बात को लेकर उस पर किसी तरीके का प्रहार किया है मौखिक रूप से, तो भी आप यहाँ पे सज़ा के भागीदार होंगे। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये है कि यहाँ पे एक नेशनल काउंसिल का गठन करने की बात की गई है, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इसका नाम होगा, या फिर राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद इसका नाम रखा जाएगा। और इसमें कौन कौन होंगे? सबसे पहले तो इसमें गवर्नमेंट के खुद के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फिर दूसरी बात जो ये कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर की, इस कम्युनिटी से भी इसमें कुछ लोग होंगे, और इस फील्ड में जो भी एक्सपर्ट्स हैं उन एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा, जिससे कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं उसका जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो यहाँ पर दिया जा सके। ये जो परिषद है ये सरकार को इस समुदाय के लिए नीति निर्माण में हेल्प करेगी, उनको परामर्श देगी, और जो भी शिकायतें आएंगी इस पर्टिकुलर समुदाय के लोगों से उसका निवारण करने में हेल्प करेगी। सरकार आगे बढ़ के कदम उठाएगी जिसके तहत अगर कहीं पे ये व्यक्ति फंसे हुए हैं तो इनको रेस्क्यू कराया जाए, इनको रिहैबिलिटेट कराया जाए, उसके अलावा जहां भी संभव हो इनको ट्रेनिंग दी जाए वोकेशनल, इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार की जाए। जैसे मान लेते हैं उनको हमने सिलाई बुनाई सिखा दी जिससे कि वो कल को अपना खुद का एक सेंटर खोल पाए जहाँ पे वो सिलाई बुनाई का कोई काम कर पाए और अपनी आजीविका को अर्न कर पाए। उसके अलावा इस समुदाय के प्रति एक सेंसिटिविटी डेवलप कराने का जो भार है वो सरकार के कंधों पे है। फिर यहाँ पे स्वास्थ्य सेवा में भी सरकार को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। वो क्या करेगी? वो नए नए हेल्थ फैसिलिटीज़ का निर्माण कराएगी जिसके तहत ट्रांसजेंडर पर्सन और उस कंप्लीट कम्युनिटी को सभी सेवाएं प्रोवाइड कराई जा सकें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अलग से एचआईवी सर्विलेंस सेंटर हो, अलग से सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज हो, तो इसके लिए अहम कदम उठाने पड़ेंगे सरकार को। अब यहाँ पे बिल के साथ कुछ समस्याएं भी हैं। क्या क्या संबंधित मुद्दे हैं? सबसे पहले तो जो यहाँ पे सोल अथॉरिटी रखी गई है वो रखी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, कि वो सर्टिफिकेट असाइन कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटी की जो इससे पहले काफ़ी डिमांड होती थी उसका प्रावधान हटा दिया गया है और एकमात्र जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो दी गई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। अगर मान लेते हैं एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट की डिमांड की लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया कि वो सर्टिफिकेट इशू नहीं करेंगे, तो इसके लिए कोई रिव्यू मैकेनिज्म नहीं है जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से क्वेश्चन कर सके कि भाई आपने क्यों इशू नहीं किया, और ना ही ये जो व्यक्ति है ट्रांसजेंडर जिसके लिए ये सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया उसके पास कोई अपील मैकेनिज्म भी नहीं है जहाँ पे जाके ये अपील कर सके कि मैंने एक सर्टिफिकेट मांगा था पर मुझे कोई भी रीज़न दिए बिना सर्टिफिकेट इशू करने वाली अथॉरिटी यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मना कर दिया है। तो ये इस बिल का बहुत बड़ा फ्लॉ है। इसमें कोई ऐसी चीज़ अलग से नहीं मैंशनड है कि उनके रोज़गार के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सरकार कुछ एफर्मेटिव कदम उठाए, तो ये बहुत क्लियरली कहीं पर डिफाइंड नहीं है। हालांकि एक्ट में ये चिकित्सा से जुड़े हुए काफ़ी मुद्दों पे बात की गई है, ये भी बात की गई है कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज एस्टैब्लिश करें हम, लेकिन समस्या ये है भाई कि जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं आज हमारे देश में उनको नॉलेज की कमी है ट्रांसजेंडर बॉडी से संबंधित। तो पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि उनमें वो नॉलेज को इम्पार्ट किया जाए, उसके बाद ही ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज सेटअप करने की बात की गई है ये अपने एक्चुअल डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाएंगी।
अब जो बात की गई है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन की, हम देख लेते हैं उसकी एक्चुअल कॉम्पोजिशन क्या होगी। देखिए उसमें सबसे पहले तो सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के लिए जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो उसमें मौजूद होंगे और वो उसको चेयर करेंगे, वो चेयरपर्सन के तौर पे आएंगे। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे सोशल जस्टिस के, जो यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन का काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के सेक्रेटरी होंगे और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा इन सभी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री से, जिसमें पहली है हेल्थ मिनिस्ट्री, दूसरी है होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री और तीसरा है HRD यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री। तो आपने देखा सबसे पहले यहाँ पे चेयरमैन होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे, एक सेक्रेटरी होंगे और फिर तीन मिनिस्ट्री से तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो टोटल यहाँ पे छः लोग, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मतलब टोटल छः लोग होंगे। उसके अलावा कुछ और भी मेंबर्स हैं जो कि हैं रिप्रेजेंटेटिव नीति आयोग से और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें अपना अलग से रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी राज्य सरकार भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेड होंगी। पांच मेंबर होंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से, ये भी आप ध्यान रखें, और पांच एक्सपर्ट मेंबर होंगे जो कि NGO से लिए जाएंगे, यानी यहाँ पे सरकार की तरफ से भी लोग आ गए, फिर यहाँ पे इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से भी लोग आ गए और साथ में एक्सपर्ट मेंबर भी आ गए। अब हमने बात की तो सरकार की तरफ से एक चेयरमैन आए हैं, एक वाइस चेयरमैन आए हैं, तीन तो लोग आए हैं मिनिस्ट्री से और दो लोग आए हैं एक नीति आयोग से और एक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से। फिर ये तो हो गया सेंटर की बात, अब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी रिप्रेजेंटेड हैं। उसके अलावा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से पांच मेंबर हैं और उसके अलावा अगर एक्सपर्ट की बात करें तो पांच ही एक्सपर्ट होंगे जो कि NGO से लिए जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना आज का डिस्कशन समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इन लेक्चर सीरीज से आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो रहे होंगे और आपको न्यूज़ पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आप लगातार मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।